अगर शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि GEPL कैपिटल के विनयन सावंत किन स्टॉक्स में दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी ने मंथली चार्ट्स पर ऑल टाइम हाई लेवल पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेक आउट दिया है। ये इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अंडरटोन का संकेत है। वीकली चार्ट्स पर अप्रैल 2023 से इंडेक्स हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर इंडेक्स ने 18,887 पर सॉसर प्राइस पैटर्न का ब्रेक आउट दिया है। इससे अब ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। हमने देखा है कि निफ्टी लगातार 13 डे EMA के सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा है। ये प्राइमरी बुलिश ट्रेंड में स्ट्रेंथ का संकेत देता है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI सभी टाइम फ्रेम पर 60 के लेवल के ऊपर लगातार बना हुआ है। ये इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत है। निफ्टी के लिए 19,230 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके बाद 19,000 पर सपोर्ट है, इसके बाद 18,640 पर सपोर्ट है। तेजी की स्थिति में पहला रेजिस्टेंस 19,800 पर है, इसके बाद 20,060 पर रेजिस्टेंस है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए अब जानते हैं GEPL कैपिटल के विनयन सावंत के उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। KEC इंटरनेशनल, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 685 रुपये है, इसमें 560 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 14% रिटर्न मिल सकता है। इस शेयर ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है, इसमें इसके रिकॉर्ड हाई लेवल के करीब कारोबार हो रहा है। इसके अलावा इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये अपवर्ड ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। इसमें मई 2023 की शुरुआत में ब्रेकआउट दिया था। डेली टाइम फ्रेम पर ये शेयर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने वीकली टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट दिया है। ये शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट की मौजूदगी का संकेत है। कैनरा बैंक, इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 375 रुपए है, इसमें 305 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 15% रिटर्न मिल सकता है। इस स्टॉक में मल्टी ईयर हाई लेवल पर कारोबार हो रहा है। ये इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का संकेत है। हालांकि 250 के लेवल पर प्राइस के पोलैरिटी में बदलाव आ सकता है, जो बताता है कि प्राइस का अंडरटोन पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम पर यह स्टॉक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाता आया है। यह अपवर्ड ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। इस स्टॉक के वीकली और डेली RSI लगातार बढ़ रहे हैं। ये लगातार 60 के लेवल के ऊपर बने हुए हैं। ये स्टॉक प्राइस मूवमेंट में पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। ये डेटा बताता है कि कैनरा बैंक का शानदार प्रदर्शन जारी है। BPCL, इस शेयर में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 455 रुपए है, इसमें 370 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 16% कमाई का मौका दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पर ये शेयर 2016 से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाता आ रहा है। हालांकि वीकली चार्ट पर ये शेयर हायर टॉप हायर बॉटम बनाता आ रहा है। ये इस शेयर में पॉजिटिव अंडरटोन का संकेत है। डेली चार्ट पर इस शेयर ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इसने 355 के लेवल के करीब CIP यानी चेंज इन पोलैरिटी बनाया है। इससे इस शेयर में बुलिश स्ट्रक्चर की पुष्टि होती है। ये शेयर अपने 50, 100 और 200 डे SMA से ऊपर बना हुआ है। इस शेयर में बुलिश स्ट्रक्चर का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI वीकली टाइम फ्रेम पर बढ़ रहा है। ये लगातार 65 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। ये इस शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। निफ्टी में पिछले दो दिन सीमित दायरे में उतार चढ़ाव दिखा, इससे हायर लेवल पर डिमांड कम होने का संकेत मिलता है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है, क्योंकि निफ्टी अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे पता चलता है कि अभी अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन नहीं है। तेजी की स्थिति में रेजिस्टेंस 19,450 और 19,500 के बीच है। इसे पार करने में निफ्टी को दिक्कत हो सकती है। निफ्टी जब तक 19,200 से 19,500 के दायरे में रहता है, इसमें सीमित दायरे में उतार चढ़ाव देख सकता है। बैंक निफ्टी में हायर लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन बीयर्स 45,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से इस इंडेक्स में 45,000 से 45,500 के दायरे में कारोबार हो रहा है। इस रेंज के किसी भी दिशा में ब्रेकआउट के बाद ही बैंक निफ्टी के ट्रेंड का पता चलेगा। अगर बैंक निफ्टी 45,000 के सपोर्ट लेवल के नीचे चला जाता है तो इसमें गिरावट दिखेगी। ऐसे में ये 44,500 की तरफ बढ़ेगा। तेजी की स्थिति में अगर बैंक निफ्टी 45,500 से ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहता है तो मजबूती का संकेत होगा। इसके बाद ये 46,000 की तरफ बढ़ सकता है।
आइए बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक दे के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्ते में आपको 18% तक मुनाफा मिल सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 145 रुपए है। इसमें 124 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 11% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिखाया है, ये तेजी का संकेत है। इसके अलावा RSI बुलिश क्रॉस ओवर दिखा रहा है, इससे इस स्टॉक में बढ़ते बाइंग मूवमेंट का संकेत मिलता है। ये स्टॉक अपने अहम मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है, इससे बुलिश आउटलुक को सपोर्ट मिल रहा है। BHEL, इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 110 रुपए है। इसमें 85 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में दाव लगाने से 18% कमाई हो सकती है। डेली चार्ट पर इस शेयर ने स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया है, इस दौरान वॉल्यूम में तेज उछाल देखने को मिला है। इस शेयर का ओवरऑल अंडरटोन काफी बुलिश है, ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है, ये पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है, इससे इस शेयर में बाय सिग्नल की पुष्टि होती है। इसके लिए 85 रुपए पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लेवल इस शेयर का 20-डे मूविंग एवरेज भी है। डिविस लेबोरेटरीज, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 4,100 रुपए है। इसमें 3,620 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 9.4% कमाई हो सकती है। इस स्टॉक ने हाल में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाया है, इससे प्राइस ट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत मिलता है। ये ब्रेकआउट बताता है कि ये स्टॉक अब सीमित दायरे में ट्रेडिंग के पीरियड से बाहर आ गया है, अब इसमें अपवर्ड मोमेंटम दिख सकता है। इसके अलावा RSI बुलिश क्रॉस ओवर दिखा रहा है, इससे इसमें बाइंग मूवमेंट बढ़ने का पता चलता है। इसके बारे में मार्केट सेंटीमेंट भी मजबूत है, ये स्टॉक अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है, इससे बुलिश आउटलुक को सपोर्ट मिल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है, ऐसे में अगर आप कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर इस तेजी में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो शॉर्ट टर्म में आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी में भले ही बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन 4 जुलाई को कारोबार के आखिर में ये अनिर्णायक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ बंद हुआ। निफ्टी के लिए 19,440 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसे पार करने के बाद अगला टारगेट 19,600 होगा। गिरावट की स्थिति में अगर ये 19,300 के नीचे चला जाता है तो कुछ मुनाफा वसूली दिख सकती है, ऐसे में 19,000 अहम सपोर्ट लेवल होगा। बैंक निफ्टी भी डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ बंद हुआ, जहां 45,000 अहम सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के नीचे जाने पर 44,500 से पहले थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है। तेजी की स्थिति में 45,700 और 46,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। आइए बात करते हैं स्वास्थ्यकर इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश कौर के उन पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें आपकी 2 से 3 हफ्तों में शानदार कमाई हो सकती है। प्रवेश कौर का पहला पसंदीदा स्टॉक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 77.80 रुपए है। इसमें 59.50 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 18% रिटर्न मिल सकता है। इस स्टॉक ने लॉन्ग टाइम फ्रेम पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया है, ये कंसोलिडेशन के लंबे पीरियड से बाहर आया है। इसने डेली चार्ट पर भी ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया है। इस ब्रेकआउट के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा रहा, ये अपने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर क्लोज हुआ है। 7 महीनों के बाद ये बड़ा माइलस्टोन है। इस स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, इसकी वजह ये है कि इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। RSI पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, MACD करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। प्रवेश कौर का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 464 रुपए है। इसमें 390 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 12% रिटर्न मिल सकता है। इस स्टॉक ने अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है। इसने करीब 400 रुपए के अहम रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है। इस शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI की पोजीशनिंग भी पॉजिटिव दिख रही है, MACD करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। और प्रवेश कौर की तीसरी पसंदीदा पिक है हीरो मोटोकॉर्प। इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह दी गई है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,374 रुपए है। इसमें 2,860 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 11% कमाई का मौका है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि इसने वीकली टाइम फ्रेम पर W फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है। इसने अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ 3020 रुपए के करीब नेक लाइन रेजिस्टेंस को पार किया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। घरेलू ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता इस हफ्ते ऐसे 5 शेयरों पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं जिनमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहला स्टॉक है इंफोसिस का। आईटी सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी में मजबूत ब्रेकआउट, पर्याप्त वॉल्यूम, फंडामेंटल रूप से मजबूत और इनफ्लिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के चलते निवेश का शानदार मौका है। इस हफ्ते ये शेयर 1380 रुपए तक चढ़ सकता है, यानी कि 3% से ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका इस शेयर में आपको मिल रहा है। हालांकि इसमें 1285 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर में इस हफ्ते 7% से ज्यादा कमाई का मौका बन रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनी की मजबूत कारोबारी सेहत के साथ साथ बढ़ती वॉल्यूम एक्टिविटी और मौजूदा ब्रेकआउट ने इसके लिए मजबूत माहौल तैयार किया है। एक्सपर्ट ने इसमें 564 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 640 रुपए के टारगेट प्राइस पर पैसे लगाने की सलाह दी है। तीसरा स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में फ्रेश ब्रेकआउट, बढ़ते वॉल्यूम, बुलिश कैंडल पैटर्न के साथ साथ 10 और 20 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर शेयरों की स्थिति के चलते इससे 9% से ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। और इस हफ्ते ये शेयर 135 रुपए के भाव तक जा सकता है। इसमें निवेश के लिए 117 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। अगला स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक का। साउथ इंडियन बैंक में बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर और हायर टॉप हायर बॉटम के चलते आगे तेजी के संकेत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शेयर इस हफ्ते अभी 14% और यानी 22 रुपए तक पहुंच सकता है, लेकिन 16 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के चौथे बड़े बैंक HDFC बैंक फंडामेंटल रूप से मजबूत कंपनी है। इसके शेयरों का रुझान बुलिश दिख रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी दिख रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शेयर मौजूदा लेवल से इस हफ्ते 3% से ज्यादा ऊपर चढ़ सकता है और इस हफ्ते ये 1760 रुपए तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट ने इसमें निवेश के लिए 1665 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि किन स्टॉक्स पर स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने दाव लगाने की सलाह दी है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। निफ्टी 28 जून को 19,000 का अपना रेजिस्टेंस लेवल पार करने में नाकाम रहा और कारोबार के अंत में 18,972 के लेवल पर बंद हुआ। इस हफ्ते निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई बना देगा, लेकिन 19,000 इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसे पार कर लेने के बाद निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस 19,191 होगा। गिरावट की स्थिति में पहला सपोर्ट 18,660 पर है, इसके बाद 18,550 और 18,450 पर सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी 20 DMA से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। अब 44,500 से 44,800 के लेवल की तरफ बढ़ने के दौरान थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है। गिरावट की स्थिति में अगर ये 50 DMA के नीचे फिसल जाता है तो इसके 42,700 की तरफ बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। इसका 50 DMA अभी 43,500 है। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा के उन पसंदीदा शेयरों के बारे में जो 2-3 हफ्तों में आपकी जबरदस्त कमाई करवा सकते हैं। NLC इंडिया, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 114 रुपए है। इसमें 95.5 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 12.5% कमाई का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक अप स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये पॉजिटिव ट्रेंड है। इसके अलावा हाल में बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन दिखा है, ये नए एक्सपेंशन फेज का संकेत है।
ये ध्यान देने वाली बात है कि 20 DMA शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट लेवल के रूप में बड़ी भूमिका निभा रहा है। दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत दे रहे हैं। RSI ने 50 के सपोर्ट लेवल से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बुलिश सेंटीमेंट की मजबूती का पता चलता है। MACD और ADX भी करंट मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 2000 रुपये है। इसमें 1700 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में अगले 2 से 3 हफ्तों में 11% कमाई की गुंजाइश दिख रही है। इस शेयर में अभी बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। इसने डायगनल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। इसे आमतौर पर बुलिश पैटर्न माना जाता है। इसके अलावा अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट दिखा है। ये शेयर अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर पोजीशन बनाए रखने में भी कामयाब रहा है। इस शेयर के लिए 1735 से 1700 रुपये का लेवल अगला डिमांड जोन दिख रहा है। इस शेयर में इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। और संतोष मीणा ने तीसरे स्टॉक के तौर पर चुना है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी को। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 412 रुपये है। इसमें 346 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 12.5% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक में 335 के हॉरिजॉन्टल हर्डल से ब्रेकआउट दिखा है। इस दौरान वॉल्यूम हाई रहा। अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम फिर से शुरू होने का संकेत दे रहा है। इसके लिए 385 रुपये अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर ये इस लेवल को पार करने में सफल हो जाता है तो अगला टारगेट 412 रुपये और उसके बाद 425 रुपये होगा। इस स्टॉक में सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। ये भी पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।